तो आज हम जिसके साथ पॉडकास्ट बना रहे हैं उसका नाम समीर चौधरी है, और हमने इससे पहले भी एक बार पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करी थी पर वो बहुत रैंडम हो गया था। तो समीर चौधरी ने 420 रैंक के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में मैकेनिकल का पेपर क्रैक किया था गेट का, और उसके बाद उसने IIT भी चूज़ नहीं किया। उसने इवन IIM भी क्रैक किया था और उसने PSU भी चूज़ नहीं किया, और वो NIT भोपाल से थे। तो उन्होंने जो उन्हें प्लेसमेंट मिली थी मारुति सुजुकी वाली, वहीं पे जाके अभी वो जॉब कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि तुमने गेट से क्रैक करने के बाद भी अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं ली? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गेट से जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो मेनली हाईली टेक्निकल ओरिएंटेड होती है नेचर में, हाईली टेक्निकल। और जब मैं ग्रेजुएशन में था तब मेरा इंटरेस्ट वॉज इंक्लाइंड टुवर्ड्स टेक्निकल, बट जैसे ही जॉब देखी एंड यू नो यू स्टार्ट टू एक्सप्लोर द कोर्स कंटेंट, तो समझ में आता है कि टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो उतना लुक्रेटिव नहीं लगा मुझे। तो आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट, बिकॉज गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसकी प्रिपरेशन ऐसे 6 मंथ की नहीं होती। अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो तो इट टेक्स 1 ईयर फॉर एन एवरेज स्टूडेंट, इट टेक्स 1 ईयर। तो उस 1 साल में आई एक्सप्लोर मल्टीपल ऑप्शंस। पहले आई थॉट कि एक पूरा चांस देना चाहिए टेक्निकल को, तो आई डिड अ रिसर्च इंटर्नशिप, तो उसमें भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, उतना इंटरेस्ट नहीं आया। तो फिर फाइनली गेट दिया तो गेट क्रैक हुआ। उसके बाद आई गॉट एमटेक ऑफर्स फ्रॉम आईएससी बैंगलोर ऑल्सो। तो आईएससी बैंगलोर में जब स्टूडेंट से बात करी, जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स थे, करिकुलम स्टडी किया, तो आई रियलाइज कि दैट करिकुलम इज नॉट समथिंग विच फिट्स फॉर मी एंड ऑल्सो फॉर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो गेट की प्रिपरेशन करते हैं, बिकॉज रिसर्च इज समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट। लाइक आपको ऐसा लगेगा बाहर से, जब आप बाहर और रिसर्च नहीं कर रहे हो, कि रिसर्च बहुत लुक्रेटिव है ये, बट वेन यू गो इनसाइड यू रियलाइज कि पेशेंस बहुत चाहिए रिसर्च में। टू गेट अ गुड क्वालिटी रिसर्च डन यू रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पेशेंस। देन फिर मैंने अदर एस्पेक्ट्स ट्राई किए, आई गेव कैट ऑल्सो, आई गॉट कॉल्स फ्रॉम अ फ्यू IIMs ऑल्सो, आई गेव देयर इंटरव्यूज, आई क्रैक्ड इट। बट देन इन मैनेजमेंट द थिंग इज, आपको वर्क एक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली इफ यू वॉन्ट टू स्टडी, बिकॉज वो 2 साल का जो MBA कोर्स होता है, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू डील विथ पीपल इन अ ऑर्गेनाइजेशन। और वो आप एज इन बुक्स या क्लासरूम में नहीं सीख सकते, यू नीड टू हैव अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। एनी काइंड ऑफ अ कॉर्पोरेट जॉब विल डू दैट। सो आई फाइनली डिसाइडेड टू ज्वाइन अ जॉब दैट आई गॉट थ्रू माई कैंपस, एंड लकीली आई गॉट द डिपार्टमेंट ऑल्सो इन माई कंपनी दैट आई वॉन्टेड। सो या इट्स ऑल गुड। और तुमने कुछ मेंशन किया कि तुमने एक रिसर्च इंटर्नशिप करी थी, तो उसके लिए कहाँ पे करी थी, उसका प्रोसीजर क्या था? सो एक बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज के। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो MHRD डिपार्टमेंट है वो कोलैब करता है अदर कंट्रीज के साइंस डिपार्टमेंट से। सो ऐसे ही सेम कनाडा के साथ एक कोलैबोरेशन है विच इज कॉल्ड माइटैक्स ग्लोबल लिंक इंटर्नशिप। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज, ऑलमोस्ट ऑल लाइक अराउंड 4,000 5,000 यूनिवर्सिटीज, तो सब सब आ जाती है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, IIT, NIT। तो उन सबके स्टूडेंट्स इन देयर प्री फाइनल ईयर फॉर इंजीनियरिंग इज थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के समर्स में यू कैन गो फॉर अ 3 मंथ्स इंटर्नशिप विच विल बी फुल्ली पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब आपको कुछ भी एक्सपेंसिस पे नहीं करना है एंड इट विल बी अ कंप्लीट रिसर्च इंटर्नशिप। उसके लिए आपको अप्लाई अगर करना होता है तो सेकेंड ईयर में आप जैसे ही आते हो तो अगस्त में उसका फॉर्म आता है। सो यू शुड हैव प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंसेस। मतलब वहां पे ऐसा कंपलसरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी, आप जाके अप्लाई कर सकते हो, बट वहां पे जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का, इट इज बेस्ड ऑन रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग एंड प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टिंग। तो आपको अगर आप इफ यू आर सीरियस अबाउट इट, तो आपको कुछ प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, कुछ भी प्रोजेक्ट्स जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो। सो आई डिड दोज प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग माई सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर। देन उस प्रोफाइल को आप पूरा अपलोड करते हो, देन एक इंटरव्यू होता है। इफ यू गेट अ शॉर्टलिस्ट फ्रॉम दोज प्रोजेक्ट्स, यू कैन चूज 7 प्रोजेक्ट्स मैक्सिमम। उन 7 में से आपका शॉर्टलिस्ट आता है तो आपको इंटरव्यू देना होता है, विच इज एन ऑनलाइन इंटरव्यू। ऑनलाइन इंटरव्यू होने के बाद देर आर सीरीज ऑफ अदर इंटरव्यूज ऑल्सो, है ना। ये इंटरव्यूज देने के बाद देर इज अ फाइनल सिलेक्शन, आप सिलेक्ट होते हो, देन यू गेट ऑल द एक्सपेंसिस पेड एंड यू गो फॉर द 3 मंथ्स इंटर्नशिप देयर। प्लस इसका एक फायदा है कि वंस यू हैव डन दैट इंटर्नशिप, देन फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स आफ्टर योर ग्रेजुएशन यू कैन गो टू कैनेडा एट एनी पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड डू योर मास्टर्स और एनी डिग्री, एंड इट विल बी यू विल गेट अ स्कॉलरशिप, अ ह्यूज स्कॉलरशिप
अपार्ट फ्रॉम अदर स्कॉलरशिप दैट यू कैन अप्लाई, सो दैट इज ऑल्सो एडवांटेज. या सो वो के लिए. और जैसे कि तुमने बताया कि प्रोजेक्ट्स चूज करने पड़ते हैं कुछ 7 के अराउंड, तो वो प्रोजेक्ट्स के नाम पहले ही पता चल जाते हैं क्या, तो उसके उसके रेस्पेक्ट में हम कुछ मिनी प्रोजेक्ट या फिर कुछ कर सकते हैं ताकि हमारा रिज्यूमे स्ट्रांग हो सके? राइट राइट. सो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हर साल नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, अराउंड 4,000 to 5,000 प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल ईच ईयर डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी एंड कंपनी कोलैबोरेशन. तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो कंपनी कोलैबोरेटेड होते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि आप, जैसे अगर मैं अगले साल अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं इस साल के प्रोजेक्ट्स देख लूं अपनी फील्ड के. यू हैव फिल्टर्स, मतलब जैसे आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हो तो फिल्टर्स लगाते हो ना, तो ऐसे ही आप वहां पे प्रोजेक्ट्स भी शॉप कर सकते हो और उसमें फिल्टर लगा के यू कैन फाइंड योर एरिया, यू कैन फाइंड एवरीथिंग. तो आप इस साल के प्रोजेक्ट्स देख के यू कैन गेट एन आइडिया कि कौन सी एरियाज ऑफ रिसर्च हैं विच आर ऑफ हाई डिमांड इन इंडस्ट्री एंड जिसके प्रोजेक्ट्स काफी आ रहे हैं. सो यू गेट दैट आइडिया फ्रॉम दिस ईयर्स डेटा. Then you apply for, then you do some projects, anything that has value. Okay, if you can publish a research paper or a review paper, that's good. That's absolutely good. But आप एक project भी करोगे, then it creates a value in that. तो आपको वही देखना रहेगा. तो वो देख के you get an idea, then you apply for it next year. ठीक है. तो and इसमें सारे branches eligible रहते हैं. Engineering भी है, literature, arts. सारे फील्ड्स हैं इसमें. इट्स नॉट लिमिटेड टू इंजीनियरिंग, बट मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स आर इंजीनियरिंग ओनली. हाँ हाँ. और उसमें मल्टीपल कंट्रीज वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करते होंगे? राइट राइट. तो इसमें मेक्सिको, चाइना, एक्चुअली मेजॉरिटी कॉम्पिटिशन इज फ्रॉम चाइना ओनली, बिकॉज यहाँ पे, बिकॉज इन इंडिया वी सी दैट देर इज अ ह्यूज कॉम्पिटिशन, बट एक्चुअली वेन यू गो एंड कम्पीट विथ द पीपल ऑफ चाइना ऑल्सो, इट बिकम्स exponentially large. Okay, so main competition is with Chinese people. But the plus point is our English, our communication skills, our accent is much more friendly. And when you will go for those interviews, right, which I talked about, in those interviews, your way of communication, your way of expressing your thoughts, those will be checked. Because, you know, in research, it requires a huge amount of collaboration. Once you do an industry project there, it requires collaboration along with intelligence. Right. So intelligence, I think in India many people are intelligent, but that collaboration part is something which is measured in the interview. So yeah. ठीक है. तो मुझे लगता है कि इंटर्नशिप का एक डाउट हमेशा एक स्टूडेंट पे रहता है कि अगर वो NIT से नहीं है तो उसके इंटर्नशिप होगी ही नहीं. और बहुत सारे कुछ भी जॉब्स करते हैं लोग, नॉन कोर जॉब्स में चले जाते हैं इंटर्नशिप के लिए. तो लगता है ये ऑप्शन एक अच्छा होगा. और तुम मुझे प्रोसेस भी बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा. और उसके बाद मेरा ये क्वेश्चन है समीर, कि तुमने गेट का प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर में कैसे मैनेज कर लिया था, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो मैकेनिकल में इग्नोर नहीं करने चाहिए, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत आसान आते हैं, या फिर ऐसे कौन से सब्जेक्ट जो इग्नोर कर सकते हैं. हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दो ताकि लोग उससे थोड़ा फैमिलियर हो सके और कॉन्फिडेंस के साथ आगे जा सके. ओके, तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली क्या रहता है, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है. तो सी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में द सिलेबस फॉर ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच इन गेट इज वेरी ह्यूज. सेम इज विथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो, काफी लंबे चौड़े हैं. और अगर आप टिपिकली बुक बाय बुक पढ़ने जाओगे देन आप परेशान हो जाओगे एंड यू वोंट बी एबल टू स्कोर वेल इन ए गेट. दैट आई कैन अश्योर यू, बिकॉज इफ यू रियलाइज गेट देने से पहले, बुक्स पढ़ने से पहले यू शुड स्टडी द पेपर पैटर्न. एंड इन गेट मैकेनिकल यू विल रियलाइज दैट 70% to 80% ऑफ द पेपर इज कंप्लीटली न्यूमेरिकल. ओके, completely numerical paper is there in mechanical, at least of mechanical I can say. तो you should know that आपकी numerical solving skills अच्छी होनी चाहिए, right? तो मैं आपको सबसे पहले जो major chunk है उसके बारे में बताता हूँ, major subject जो है. First thing which is most important and most scoring is production engineering. Now production engineering में जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, मतलब जो students हैं वो करते हैं, वो ये करते हैं कि वो production engineering की theory पढ़ते हैं, which is a disaster. ओके, आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, यू डोंट नो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो एक ब्रांच है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी एक ब्रांच है. तो आप ऐसे थ्योरी पढ़ने जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे, राइट? तो व्हाट आई कैन सजेस्ट इज डोंट गो फॉर द थ्योरी, गो फॉर द थ्योरी ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पार्ट. ओके, इंस्टेड वॉच अ वीडियो, डोंट रीड अ बुक, वॉच अ वीडियो ऑन दैट, इट विल सेव योर टाइम. बट यूज दैट टाइम टू प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स. और न्यूमेरिकल्स में भी आई वुड सजेस्ट सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 5 times. Okay, don't see any book, don't buy any other book. That's my pure recommendation,
बिकॉज प्रीवियस ईयर पेपर्स आर मोर देन इनफ. ओके, इफ यू सॉल्व इट बाय 2-3 times, आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी पता होगा ना, तो आप क्वेश्चन पढ़ के मेथड जान जाओगे. लाइक लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज गेट इज नॉट समथिंग कि सिर्फ इंटेलिजेंट बंदा ही उसे क्रैक कर सकता है. दैट इज नॉट द काइंड ऑफ पेपर दैट गेट इज. ओके, सो यू शुड हैव वेरी रिग्रस अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस. और मैकेनिकल में लोग यही गलती करते हैं. सेकेंड मेजर सब्जेक्ट आई वुड से इज फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, द थर्मल पार्ट ऑफ इट. फ्लूइड मैकेनिक्स ऑल्सो, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको हर एक मैकेनिकल इंजीनियर को ऑलमोस्ट इसमें इंटरेस्ट आता है ना. तो आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है, बिकॉज ये सब्जेक्ट्स पहले से ही इंटरेस्टिंग होते हैं, सबको इंटरेस्ट आएगा और ईजी भी होते हैं, है ना. द ओनली थिंग आई कैन से इज डोंट वेस्ट टू मच टाइम. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते रहते 6 महीने तक. सो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज पेपर में तो उतने क्वेश्चन आएंगे ना थर्मोडायनेमिक्स के, तो वाई टू वेस्ट सच ए ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम. देन कम्स द स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल पार्ट. स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल पार्ट, सो सॉम हुआ, मैकेनिक्स हुआ, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द फैक्ट. बट इस पार्ट को पढ़ने में एक दिक्कत आती है. ये दिक्कत ये आती है कि आपको पहले अपने बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे इसके. लाइक आप स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल पढ़ने जाओगे तो आपको पहले मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा, है ना. तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और वो जर्नी लंबी होने की वजह से बहुत सारे लोग बीच में छोड़ देते हैं या स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते. पता चला मैकेनिक्स को स्किप कर दिया, सीधे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पहुंच गए. अब होगा क्या, शुरुआत तो अच्छे से हो जाएगी, थ्योरी थ्योरी चल रही. जैसी गेट, बिकॉज न्यूमेरिकल है, और गेट में यू विल सी इन मैकेनिकल हर एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट कभी नहीं लगता, 3-4 लगते हैं, 2-3 chapters तो होते ही है. और स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल में तो ये एविडेंट है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि सीधे फॉर्मूला लगा के यू विल स्कोर, है ना, ऐसा कभी नहीं होगा. तो इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज ऑल अबाउट कि लीनियरली आप एक एक सब्जेक्ट को पढ़ते जा रहे हो. दैट विल बी डन फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. यू विल रिक्वायर 3-4 months ऑफ सीरियस प्रैक्टिस एंड ऑल, और उसमें कवर अप हो जाता है. फिर थोड़े से मिसलेनियस टॉपिक्स बचते हैं. मिसलेनियस टॉपिक्स इन द सेंस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज अ टॉपिक जो स्कोर, बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफी हाई स्कोरिंग होता है ना. तो आप एक भी सब्जेक्ट स्किप नहीं कर सकते इफ यू वांट अ रैंक अंडर 500. इफ यू वांट अ रैंक अंडर 500, लाइक अगर आपका टारगेट इज अंडर 500, यू कांट स्किप एनी टॉपिक. ओके, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आप नहीं कर सकते. कोई आपको बोल रहा है कि यार ये स्किप कर दो, नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे. लाइक मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं. Slot 1, Slot 2, इफ यू आर इन अ Slot 1, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वॉज वेरी स्मॉल पोर्शन, मतलब सॉरी वेरी लार्ज पोर्शन. Slot 2 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वॉज वेरी इजी. अगर आप स्किप भी कर दिए होते तो भी हो जाता, बट यू डोंट नो आप कौन से स्लॉट में लैंड अप करोगे और कौन सा स्लॉट कैसा होगा, तो नहीं कर सकते आप स्किप. इन मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. देन कम्स मैथ्स. नाउ एक बहुत ही क्लियर कट डिफरेंस जो बच्चे नहीं समझ पाते, इसलिए उन्हें मैथ्स बहुत, इंजीनियरिंग मैथ्स बहुत लंबी लगती है. दे आर ऑल लाइक यार इंजीनियरिंग मैथ्स इतनी लंबी है, उसको पढ़ने में अलग से मैं 2 महीने लगाऊ, नॉट रिक्वायर्ड. इंजीनियरिंग मैथ्स, इफ यू सी दैट इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस की सिलेबस भले ही सेम लिखा होगा मैकेनिकल में, बट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर एंटायरली डिफरेंट. उनको बहुत हाई लेवल पूछा जाता है, हमें बहुत बेसिक पूछा जाता है. ओके, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. दिक्कत क्या है, बहुत सारे लोग ये कोचिंग की बुक्स फॉलो करते हैं, तो कोचिंग वाले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की एक बुक बनाते हैं, क्योंकि उनको तो टाइम बचाना है, एक बुक बनाते हैं, सारी ब्रांचेस को बांट देते हैं. अब दिक्कत ये, मैकेनिकल वाले उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं बैठ के, तो दे डोंट रियलाइज कि तुम फालतू के एफर्ट लगा रहे हो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. इंस्टेड व्हाट यू शुड डू, उस बुक को साइड रखो, उस बुक को लो ही मत, वापस कर दो उसको. ठीक है, तो जैसे तुमने बताया वैसे हर एक इंसान को अपने मैथमेटिक्स के ऊपर ध्यान देने चाहिए, और हर एक क्वेश्चन के ऊपर टॉपिक्स के नाम लिखने चाहिए, तो पता चल जाएगा कि एक सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. इस तरीके से अपनी गेट की प्रिपरेशन आगे लेके जा सकते हो. किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. प्रीवियस ईयर के बुक में जो भी क्वेश्चन हैं वो गेट में आए हुए हैं, तो वही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. और इसके बाद मेरा ये क्वेश्चन है समीर तुम्हारे लिए, कि तुमने गेट एग्ज़ाम चूज़ भी करी है, उसमें रैंक भी निकाला है, उसके बाद उसमें से तुमने कुछ बेनिफिट भी नहीं उठाया है, तो तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मैंने गेट एग्ज़ाम दी क्यों थी? गेट एग्ज़ाम से तुम्हारी लर्निंग क्या है मेन, मतलब हर एक चीज़ से हम जो भी प्रोसेस से जाते हैं उसमें से कुछ लर्निंग लेके जाते हैं, तो गेट एग्ज़ाम ने तुम्हें क्या सिखाया? सी मैं एक इम्पॉर्टेंट थिंग, देखिए गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से मैंने क्या सीखा, वो तो आई थिंक आई कैन से कि पेशेंस, बिकॉज गेट का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो कोई भी बड़ा जो सिलेबस होता है उसको कवर करते करते आप थक जाते हो. तो एक एंड्योरेंस डेवलप हुआ कि यार नहीं, बड़े सिलेबस के एग्जाम्स भी यू कैन क्रैक. तो एक साल तक कंटिन्यूअसली घिसना, दैट आई डेवलप दैट हैबिट.
द सेकेंड थिंग, गेट का जो एक बहुत बड़ा फायदा है जो बहुत लोग रियलाइज नहीं करते, इज दैट गेट का स्कोर इज वैलिड फॉर 3 ईयर्स. ये बहुत सारे लोग रियलाइज नहीं करते. सो इफ यू क्रैक इट वंस, देन यू आर फ्री फ्रॉम एनी स्ट्रेस फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स. यू कैन ट्राई एनीथिंग. ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज सी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मुझे 1 साल मिलना चाहिए, मैं कुछ और एग्जाम ट्राई करूं. सपोज कोई किसी को यूपीएससी ट्राई करना है, सिविल सर्विसेज करना है, बट उसको ये रहता है कि बट मैं एक बार ड्रॉप लेके करूंगा और नहीं हुआ सपोज तो मैं क्या करूंगा 1 साल बाद. गेट इज समथिंग दैट प्रोवाइड्स दैट सॉल्यूशन. सो गेट इज अ कुशन दैट यू कैन यूज फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स इफ यू गेट अ गुड रैंक. सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं. उनको लगता है कि गेट इज समथिंग कि यार एक बार दो फिर अगले साल फिर देंगे. दैट इज नॉट द थिंग. एक बार रैंक लेके आओ अच्छी, यू आर फ्री फॉर 3 ईयर्स. एनी टाइम यू कैन ज्वाइन द बेस्ट इंस्टीट्यूट टू डू योर मास्टर्स, राइट? सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मुझे अभी भी काफी एक कुशनिंग इफेक्ट देती है कि इट्स नॉट अ थिंग दैट आई नीड टू वरी अबाउट कि यार मैं जॉब में अगर मैं कभी बोर होने लगा तो आई डोंट हैव टू बी लाइक कि नहीं अब ड्रॉप लेके जॉब प्रिपेयर करना है फिर जाके मुझे वापस करना है. आई कैन यूज माई गेट स्कोर. दैट इज वन वेरी यूनिक थिंग अबाउट गेट. तो मतलब तुम्हें ऐसा नहीं था कि मुझे पीएससी भी मिलनी चाहिए, तुम्हें एमटेक भी अच्छा ऑप्शन लगता है कहीं ना कहीं, इसलिए तुम अलग अलग एक्सप्लोर कर पा रहे हो अपॉर्चुनिटीज जो भी तुम्हें मिले हैं, राइट? और इतना ही हम डिस्कशन रखते हैं समीर, और मुझे लगता है इससे काफ़ी लोगों को हेल्प भी हो जाएगी. तो थैंक यू पॉडकास्ट में आने के लिए, और काफ़ी डिफिकल्टी से हम गुजरे हैं एक पॉडकास्ट बनाने के लिए सक्सेसफुल. तो थैंक यू. So every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I should take it slow.